ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो हे गाइस, सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस, कल के दिन बिग बॉस में एक ऐसी चौंकाने वाली चीज हुई जिसे देखने के बाद आप में से कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बिग बॉस में दो टीमें बनी हुई हैं, जिसमें से टीम ए में पूजा भट्ट, बेबिका, अविनाश और पलक हैं, और यहाँ पर टीम बी में फुकरा इंसान, जेड एडिट, अकांतापुरी और जिया शंकर हैं। सो गाइस, यहाँ पर कल के दिन बिग बॉस ने वहाँ पर एक गेम खिलवाया जिसमें उन दोनों टीमों को एक दूसरे को टास्क देना था, और यहाँ पर टोटल 10 टास्क देना था, और जो भी टीम ज्यादा टास्क कम्प्लीट करेगी वो टीम विनर बन जाएगी। सो गाइस, तभी टीम ए से अविनाश ने अकांशापुरी और जेड एडिट को लगातार 30 सेकंड तक किस करने का चैलेंज दे दिया। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे जेड एडिट पहले दिन से अकांशापुरी को लाइक करते हैं तो इसके लिए तुरंत ही मान जाते हैं। और गाइस, यहां पर अकांशापुरी भी मना नहीं करती है, वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर किस करने लगते हैं। और गाइस, जब वो दोनों किस कर रहे थे तब तो वहां का माहौल देखने लायक था, मतलब कि फुकरे इंसान काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और गाइस, वहां पर पूजा भट्ट का क्या हाल हुआ होगा आप लोग सोच ही सकते हैं, और सभी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। और इसके बाद फुकरा इंसान बोलते हैं बस करो सालो, कितना किस करोगे, और इसके बाद फुकरा इंसान बताते हैं कि अगर उनको ऐसा चैलेंज दिया जाता तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसके लिए मना कर देते। पर ये चीज देखकर कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सलमान खान ने बोला था कि बिग बॉस एक फैमिली शो है और इसको पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है। पर अगर बिग बॉस के अंदर ऐसी चीजें होंगी तो इसको फैमिली बैठकर कैसे देख सकती है। और यहाँ पर कुछ लोग बिग बॉस को काफी ज्यादा हेट भी दे रहे थे, और यहाँ पर ट्रिगर इंसान ने भी एक ट्वीट किया, बिग बॉस इज अ डर्टी शो एंड पीपल टॉक ट्रैश ऑल द टाइम, सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर व्हाट द सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिंसेस इवन सेज अबाउट माय ब्रदर, बट हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है इसीलिए इनके लेवल पर नहीं गिर सकते। बाय द वे, आप लोग का इस वाले सीन को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, इसके बाद फुकरे इंसान ने बेबिका को एक टास्क दिया जिसमें उन्होंने बेबिका से बोला कि आपको सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना है कि आपको फेस रीडिंग नहीं आती है और आपने उस दिन हम सभी से बदतमीजी की थी, और बेबिका इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद वो सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। और ये चीज देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। और गाइस, अभी फुकरा इंसान से रिलेटेड एक और गुड न्यूज निकल के आ रही है। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी बिग बॉस के अंदर जेड एडिट कैप्टन बने हुए हैं, पर गाइस यहां पर बिग बॉस ने फुकरा इंसान को अकेले में बुलाकर एक टास्क दिया था जिसमें उनको सभी कंटेस्टेंट की गलतियां ढूंढनी थी, मतलब कि कौन सा बंदा कौन सा रूल ब्रेक कर रहा है ये सारी चीजें पता लगानी थी। और फुकरा इंसान बखूबी उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद वो बिग बॉस को ये सारी चीजें बताते हैं, जिसके बाद बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को एक साथ बुलाते हैं और बताते हैं कि जेड एडिट सही तरीके से कैप्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं, और इसके बाद वो जेड एडिट को कैप्टेंसी से फायर कर देते हैं और फुकरा इंसान को वहां का न्यू कैप्टन बना देते हैं, जिसके बाद फुकरा इंसान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी बिग बॉस ने फुकरा इंसान, अकांशापुरी और जिया शंकर का नाम कम एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया था, कर दिया जाएगा। सो गाइस, अभी अपडेट निकल के आई है कि फुकरा इंसान को 1 मिलियन से भी ज्यादा वोट मिल चुके हैं, और यहाँ पे जिया शंकर को 69,000 एंड अकांशापुरी को 50,000 वोट मिले हैं, मतलब कि सबसे कम वोट अकांशापुरी को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते अकांशापुरी को बिग बॉस से एलिमिनेट किया जाने वाला है। तो गाइस, यही थी बिग बॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज देता रहता हूँ, सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा।